अरे बाबा, अरे बाबा, गुरु मां कल सुबह का निकला है, रात भर गायब रहा, अभी तक नहीं आया। लाठी करके रखा है नाक में दम। अब हम इलेक्शन लड़े की गुमशुदा की तलाश, कुछ समझे में नहीं आ रहा। शांत हो जाओ सज्जन, यही मौका है सज्जन जनता की सहानुभूति बटोरने का। मीडिया को बुलाओ और अपना बयान दे दो कि विरोधी पार्टी ने हमारे छोटे बेटे को अगवा कर लिया है। अरे आप कैसी बात कर रही हैं गुरु मां? हमारे बाबा को कुछ हो गया तो हम तो बहुत बेहूदी दे सकिया। पता इसको पता नहीं, जब हम बताएंगे ना तब भुला जाएगी लड़की विवाह वाली बनी है बेहूदी। छोड़ें गुरु मां, ये कर तो बीच में लप 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 करने की आदत है, बगैर बोले कौन चीज पूरे नहीं हो गए। गुरुमाई बताओ कि फायदा किसमें होएगा? या तो बाबा वापस लौट आएगा, और अगर नहीं आया तो अपहरण की बात से लोगों की सहानुभूति का फायदा तुम्हें चुनाव में मिलेगा। जानते हो सज्जन, जब सहानुभूति की हवा चलती है ना, तो बड़े से बड़े मुद्दे वाले दुर्ग भी ढह जाते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर घर में किसी की स्वाभाविक मौत भी हो जाए ना, उसका दोष भी विरोधी पार्टी पर डाल दो। और लोगों की सहानुभूति बटोर लो, यही राजनीति है सज्जन। ये आप कैसी बात कर रही है गुरु मां? चुनाव के लिए इतना सब कुछ? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? अरे सत्यभामा है, अय्या पड़दादी, बगैर बोले कुछ पूरे नहीं होगा। लेकिन ये क्या बात हुई? कृष्णा को ढूंढने के बजाय आप लोग उसके गायब होने की बात को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो आश्चर्य होता है ये देखकर कि वो पूरा घर जो कृष्णा को प्यार करने का दम भरता था, आज जब वो गायब हो गया है तो किसी को जरा भी परेशानी नहीं हो रही। अच्छा, तो हम सबसे ज्यादा तुम बाबा को प्यार करती हो, हैं? तो तुम ही बताओ कि ऐसी प्रेम करने वाली बीबी को छोड़ के उसको बिना बताए बाबा कहाँ चला गया? कहीं तुम ही उसके गायब होने की वजह तो नहीं हो? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त हमें कृष्णा को ढूंढकर घर वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। कृष्णा को घर लाने के लिए
काफी लोग हैं, तुम भीतर जाओ। तुमसे कुछ कहा जा रहा है, जाओ यहां से। तुमको एक बारे में समझ में नहीं आता है, ढकेले तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। क्या है अम्मा? तुम आपसे ठीक नहीं कर रही, अपने मतलब के लिए इस तरह से कृष्णा को बहुत मुंह खोलने लगी है। चल अंदर। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो। ये बंद रहे। अम्मा, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो। हद होएगी गुरु माँ, हद होएगी। दिमागवा इसका तो सातवें आसमान पे चढ़ के नाच रहा है। सब कुछ गुरु माँ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपसे कौनो अगर जवान लड़ा हुआ ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मिसा चुनाव ना होता तो अब तक राइफल की सारी गोली हम इकरे उतार चुके होते। बहुत सज्जन, चुनाव में हमें इससे जो फायदा मिलना था वो मिल गया है। अब चुनाव होने तक तुम इसे सिर्फ अपनी नजर में रखो। बहुत बड़ी चुनौती है गुरु माँ, आप बताओ क्या कहती, क्या करें? जो तुम्हारा जी करे वही करो। ठीक है गुरु माँ, समय आने पर निकट टिकट कटवा देंगे। का उपाय हो जाएगा। हाँ चले, हम आपको छोड़ आऊ। चलो खुश रहो। अम्मा दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। बाबूजी, आपने बंद क्यों कर दिया? अम्मा, बाबूजी, कोई खोलता क्यों नहीं है? प्लीज दरवाजा खोलिए। दरवाजा भड़बड़ा रही है, हमरे बाबा को हमसे दूर करके गर्मी दिखा रही है। दरवाजे से दिखा ले, हम भी देखते हैं कितना गर्मी है तुम्हारे अंदर।
अम्मा, हम भी इस घर की बहू हैं और हमने हमने कोई गलत काम नहीं किया है। प्लीज दरवाजा खोलिए। जब तक बाबा नहीं आता यहीं बंद रहना है तुमको, समझे? अम्मा, खोल दीजिए ना दरवाजा अम्मा। प्रतिज्ञा कहीं भाग तो नहीं जाएगी ना? कौन बोला रहे तुझको बोलने के लिए? हाँ, अब तू जवाब देगी अम्मा को? हाँ, चल 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 यहाँ, अब तू भी यहीं बंद रहेगी। अम्मा जरा हमारे साथ चलो। अच्छा मौका है अम्मा, वो प्रोफेसर की लोडिया से छुटकारा पाने का। और वही उसका हिमायती बाबा भी घर में नहीं है। जो कुछ हो करना है अब ही कर देते हैं। पापा को फोन करना चाहिए, लेकिन पापा को बताने से क्या होगा? इस वक्त कृष्णा के अलावा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हेलो, कौन? चंदू भैया, भाभी हम टुन्ना बोल रहे हैं। कृष्णा के बारे में कुछ पता चला? नहीं भाभी, भैया का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। नहीं? अच्छा, क्या चंदू भैया है वहाँ पर? हाँ, यहीं पर है। आप लोग एक काम कीजिए, आप और चंदू भैया जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। हमें जल्द से जल्द कृष्णा को ढूंढना ही होगा। हम भी आपके साथ चलेंगे, पर आप कुछ भी करके जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ठीक है भाभी, हम आते हैं। हेलो जी, हम प्रतिज्ञा की मम्मी बोल रहे हैं। अरे तो इसमें बताने वाली कौन सी बात? आपकी आवाज सुन के ही हम समझ गए कि मीठी छुरी का फोन है। अरे आप प्रतिज्ञा के लिए फोन किए हैं ना? वो नहा रही है, बाहर निकलती है तो बात करवाते हैं। ठीक है, तो इतनी देर से कभी नहीं नहाती। वो तो सुबह सुबह नहा लेती। मम्मी,
क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं। आदर्श, हमें बहुत डर लग रहा है, हमारा मन बहुत घबरा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, थोड़ा सा भी कुछ होता नहीं कि बस आप घबरा जाती हैं। अरे, किसी काम में फंस गई होगी इसलिए देर से ना रही होगी, अब टेंशन क्यों ले रहे हैं? ए सासू अम्मा, हम वो सोच रहे थे कि एक को दिन के लिए ना मायके चले जाएं। वो कहा है ना कि प्रतिज्ञा से भेंट मुलाकात भी हो जाएगी और तुम्हारी चिंता भी दूर हो जाएगी, तो तुम वो आदर्श से कह दो कि हमको हुआ छोड़ आए। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम चली जाओ। आदर्श बेटा, कोमल को छोड़ा। तामझामा फैला रहा है, क्या होगा इससे? अरे अम्मा, तुमको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? अरे उसके ऊपर पेट्रोल नहीं डाल सकते तो जलाएंगे कैसे? यही लिए तो ये इतना दिमाग लगा है। तुम ठहरो, ठहरो, हम बताते हैं। इटाली मारक अबे जल्दी कर, मारक हट मा हट। अरे इतना तामा झामा से कैसे चलेगी वो? अम्मा ध्यान से सुन, देख, ई पायदान में पेट्रोल है, है? वो कहा है कि जब वो प्रतिग्वा वहां से चल के यहाँ इस पायदान पर आएगी, हम ई ई जो ई दोनों रस्सियां जो है ना, इनमें बाहर से आग लगाए देंगे और वो आग यहाँ आई के पायदान पर खड़ी प्रतिज्ञा को पक से पकड़ लेगी और जैसे जैसे वो अपने आप को बचाने के लिए बौखलाई के जब यहाँ वहाँ भागेगी तो यहाँ हमने ही जो थाली रखी है इनमें रखा पेट्रोल आग भड़काए देगा। वहाँ गई तो ई थाली और दू थाली वहाँ पियासिया पैसे ही जमाए चुकी है। हम कह रहे हैं अम्मा, बचने का कोनो रास्ता ही नहीं। बस देखते ही देखते आग का गोला हो जाएगी गोला।
बस कुछ देर की चिल्लपों और फिर इस घर में हमेशा के लिए शांति शांति। प्रतिज्ञा बन जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।